नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सीधे बात करते हैं कलेक्टर दीपक आर्य जी से। सर, स्वागत है सागर टीवी न्यूज पर आपका। धन्यवाद साहब। सर, आज आप भ्रमण पर निकले थे, सागर शहर में आप कुछ जगहों पर गए। सर, क्या कुछ देखा है? देखिए, सागर शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और नगर निगम के अन्य कार्यों के अंतर्गत बहुत सारे कार्य निर्माणाधीन हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी गति से इनमें कार्य चल रहा है। और चूंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारा उद्देश्य होगा कि हम उन कार्यों को समय पर पूरा कर पाएँ और नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें। तो जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उनके गति को देखने के लिए और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो समस्याएं आ रही हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। जो भी समस्याएं उनकी होंगी उनको निराकरण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो जनता का ड्यू लाभ है उन्हें वो समय सीमा मिल पाए और सारे प्रोजेक्ट्स समय सीमा पूरे हों जिससे जनता को उनका लाभ समय पर मिल पाए। सर, आज स्मार्ट सिटी में एक बैठक भी रखी गई थी, तमाम लोग उसमें आए हुए थे। सर, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? ये मेरी इंट्रोडक्टरी बैठक थी स्मार्ट सिटी को लेकर के। चूंकि मैं कलेक्टर जो है पदेन चेयरमैन होते हैं, तो आज मैं बेसिक इंट्रो सिटी में घूमने के बाद बाकी सारा प्रोजेक्ट जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर हैं उन्हीं को लेकर के एक बैठक थी और उन सब में क्या क्या इश्यूज़ हैं उनको लेकर के बैठक थी। तो जो भी इश्यूज़ बताए गए हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। सर, सागर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है और उसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। सर, आगे क्या रहेगा इसमें? देखिए, बड़ी अच्छी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा अभी तक की गई है, स्मार्ट सिटी के द्वारा की गई है। और चूंकि शहर को यदि डेवलप करना है तो कुछ कॉस्ट तो उसकी होती है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिनको भी हटाया जाएगा और उनको विस्थापित किया जाएगा, शहरवासियों को सुविधाएं देने के लिए अतिक्रमण का मुहिम चलता रहेगा और जिनको जो अतिक्रमण करता है या जिनका रोजगार उनसे संबंधित है उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, उनको व्यवस्थित करने के बाद ही हटाया जाएगा। सर, जो शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, सर उनकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, सभी प्रोजेक्ट्स कुछ समय सीमा से डिले हैं, लेकिन उसके पीछे कारण है कि कोविड के दौरान कार्य उतना तेज़ी से नहीं हो पाए हैं। बाकी सारे अपने स्पीड अप हैं। अभी ये बात हम लोगों ने किया है और हमारा प्रयास है कि हम उनको और गति से करें जिससे कि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो पाए। सर, कल महावैक्सीनेशन अभियान है, सर इसको लेकर क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? वैक्सीनेशन महाभियान को लेकर के लगभग 1,20,000 का लक्ष्य जिले को दिया गया है, जिसको सेशंस इसके प्लान किए गए हैं और सभी जगहों पर मतलब मुख्यालय में, सभी नगरीय निकायों में, उसके बाद सभी ग्राम पंचायतों में सेशंस प्लान किए गए हैं जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है। और कल हमारा लक्ष्य है और हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग 1,20,000 का टारगेट पूरा करेंगे। सर, एक सवाल और भी यहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है, प्रशासन की सर क्या तैयारियाँ हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर? जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को लेकर सबसे बड़ा जो तैयारी है वो कोविड महावैक्सीनेशन अभियान है और हमारा उद्देश्य होगा कि जो लक्ष्य जिले को दिया गया है वो पूरा हो। शुक्रिया सर, बात। धन्यवाद। कलेक्टर दीपक आर्य साहब से हम बात कर रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।